नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं अखिलेश आनंद हूं। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद अब नई सरकार बनाने की कवायद शुरू हो गई। प्रधानमंत्री आवास पर एनडीए की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू समेत सभी सहयोगी दल के लीडर्स शामिल हुए। इस बैठक में नरेंद्र मोदी को एनडीए का लीडर चुन लिया गया और अब 7 जून को सरकार बनाने का दावा पेश किया जा सकता है। दूसरी तरफ इंडिया अलायंस की भी मीटिंग हुई, जिसमें 19 पार्टियों के 33 नेता शामिल हुए। इस मीटिंग के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार बनाने के लिए सही समय पर सही फैसला लेंगे। इसका मतलब यह कि गठबंधन ने सरकार बनाने से इनकार नहीं किया। इंडिया अलायंस के इस कॉन्फिडेंस की वजह क्या है? आज क्यों पूरे दिन सोशल मीडिया पर नीतीश कुमार ट्रेंड होते रहे? नीतीश के नाम पर मीम्स और रील्स क्यों सर्कुलेट हुए? क्या नीतीश कुमार कोई खेला करने वाले हैं? नीतीश के मन में क्या चल रहा है, आपको दिखाते हैं एनडीए का नीतीश फैक्टर। जी हां, जीएम डीएम नहीं, बात सीएम पीएम की है। सिर्फ 10 सेकंड का वीडियो। वीडियो में कौन? नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दिल्ली आने वाले प्लेन में पहले अलग अलग बैठे थे, फिर साथ बैठने की तस्वीर आ गई। इस एक तस्वीर ने एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार की पलटने वाली फितरत को हवा दे दी। नीतीश कहते हैं सरकार जरूर बनेगी, तेजस्वी कहते हैं थोड़ा इंतजार करिए। अभी हमको लगता है थोड़ा धैर्य रखिए, अभी देखते जाइए क्या क्या होता है। नमस्कार, प्रणाम, दुआ हुई और क्या, लेकिन बाकी क्या होता आगे आगे देखते रहिए। आगे आगे देखिए होता है क्या। कहने को सिर्फ 6 शब्द हैं, लेकिन देश और प्रदेश की सियासत को लेकर क्या इसमें कोई भाव छिपा है, कोई इशारा है? जिस वक्त मोदी की लीडरशिप में एनडीए तीसरी बार सरकार बनाने की तैयारी कर रही थी, उस दौरान फोकस में बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार। सवाल है क्यों? हम लोग तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। यह अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए, सब बोगस बात है। आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ में। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आप इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। मोदी जी का गारंटी तो बहुत मजबूत वाला गारंटी है। ए मोदी जी के गारंटी वालों, क्या मोदी जी गारंटी लेंगे, फिर से पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे, जरा बता के दिखा दो। आप वो तो झूठ फूठ के बीच में हम एक बार साथ कर लिए थे, झूठ फूट के अपना बात करता है जो काम हम ही लोगों का। चाचा बोल रहे थे कि अब हम नहीं जाएंगे कहीं, फंस जाएंगे, मिट जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन अब हम कहीं नहीं जाएंगे। हमारे चाचा को बार बार ये क्यों बोलना पड़ता है कि हम जो है अब कहीं नहीं जाएंगे। मोदी फैक्टर के साथ नीतीश फैक्टर की चर्चा क्यों? आखिर नीतीश कुमार पर देश की नजर क्यों है? क्या नीतीश कुमार और तेजस्वी का एक साथ दिल्ली आना महज इत्तेफाक है? नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है? क्या नीतीश कुमार कोई खेल करने वाले हैं? क्या इस बार नीतीश एनडीए को छोड़कर नहीं जाएंगे? सबसे बड़ा सवाल, नीतीश 3.0 का नया दांव देखने को मिलने वाला है। मैं अभिनंदन करता हूं कि आप फिर पधारे हैं यहां, ताकि हम लोगों को बड़ी खुशी की बात है। आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आप इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे कहने वाले नीतीश का ये बयान चुनाव प्रचार के दौरान आया था। तब मोदी कैंपेनिंग के लिए बिहार के औरंगाबाद में थे। थोड़े दिन पहले ही नीतीश की एनडीए में वापसी हुई थी, इसलिए मोदी का यशगान बनता था। या भी आज दूसरी बात है कि इस बार का जो चुनाव होने वाला है, तो इस बार तक कम से कम 400 सीट आप जीतिएगा, ये हमको पूरा भरोसा है। 400 पार की बातें बहुत हुई, हुआ नहीं। एनडीए की सुई 300 से नीचे अटक गई, बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। हाँ, इस बीच ये हुआ कि इस चुनाव में नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर खुद को रिवाइव किया। नीतीश के खाते में 12 सीटें आई, यानी 12 सांसद। सवाल इन्हीं सीटों का है, इसलिए पूरे दिन भर सोशल मीडिया पर नीतीश कुमार ट्रेंड होता रहा। नीतीश कुमार को लेकर कई मीम्स सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हुए।
नीतीश को बहुत बड़े किंग मेकर की भूमिका में दिखाया जाता रहा। तो क्या सत्ता की चाबी नीतीश कुमार के पास ही है? एनडीए चाहता है नीतीश उनके साथ मजबूती से टिके रहें। वहीं इंडिया अलायंस की हसरत है नीतीश कुमार अलायंस में वापसी करें। और इसके संकेत चुनाव परिणाम सामने आने के बाद से ही दिखाई देने लगे। इंडिया अलायंस के नेता उनके पुराने दिनों की याद दिलाते रहे। कहिए नीतीश जी में कमी किस बात की है? हमारे इंडिया गठबंधन की भी नींव उन्होंने ही रखी थी। तेजस्वी जी तो बार बार कह रहे थे नरेंद्र मोदी जी से योग्य एनडीए में भी बहुत सारे लोग हैं जो इस देश को गांधी लोहिया जेपी कर्पूरी के सपनों पर आगे ले जाएंगे। तो नीतीश भी हैं। जाहिर है नीतीश जी, मैंने बार बार कहा कि प्रधानमंत्री जी के बाद मोदी जी के बाद कोई भी व्यक्ति बेहतर विकल्प होगा देश को साधने में, देश को समझने। सभी की एक भूमिका है, उसका मतलब है नरेंद्र मोदी तानाशाह है, उसका मतलब है नरेंद्र मोदी संविधान के खिलाफ काम करता है। यह विचार चंद्रबाबू नायडू और यह विचार नीतीश कुमार जी का भी है, मुझे मालूम है। नीतीश कुमार जी की बड़ी भूमिका रही इंडिया गठबंधन को बनाने में। तो यह राजनीति में समय समय हर मोड़ में हम लोग मिलते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए बार बार कहा जाता है कि नीतीश तो सबके हैं, और इस बार तो ये कहने की और भी बड़ी वजह है। असल में नीतीश एनडीए में संख्या के हिसाब से तीसरी बड़ी ताकत है। बीजेपी को सरकार चलाने के लिए दूसरे साथियों के अलावा नीतीश की भी जरूरत है। अगर नीतीश छिटकते हैं तो इंडिया अलायंस का पलड़ा भारी होगा, मगर सरकार बनाने की सूरत फिर भी नहीं होगी। बहुमत से 28 सीट कम रहेगी। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार अभी एनडीए को लिखित में सपोर्ट दे चुके हैं, लेकिन नीतीश ने इसके बदले अपने और अपनी पार्टी के लिए क्या मांगा, इस पर खुलासा नहीं हुआ। हाँ, नीतीश को लेकर सुगबुगाहट जरूर शुरू हो चुकी है। नीतीश बाबू के मन में कुछ चल रहा है क्या? नीतीश कुमार बहुत सुलझे हुए आदमी हैं और उनकी बड़ी लोकप्रियता बिहार में है, और वो स्थिर व्यक्ति हैं, बहुत ही समझदार, और बिहार के लोगों का बड़ा भरोसा है, और हमारे जैसे लोग भी जो उनके साथ राजनीति करते हैं उन पर बड़ा भरोसा है, इसलिए इस प्रकार की टिप्पणी करना उचित नहीं। बीजेपी के नेता नीतीश को सेंसिबल मैन मानते हैं, लेकिन कुछ वक्त पहले इसी बीजेपी के खिलाफ, इसी केंद्र सरकार के खिलाफ नीतीश कुमार ने इंडिया अलायंस की नींव रखी थी। ये वो वक्त था जब बिहार में नीतीश और तेजस्वी मिलकर सरकार चला रहे थे। नीतीश कुमार के नेतृत्व में इंडिया अलायंस की पहली मीटिंग पटना में ही हुई थी। हालांकि उस दौरान उन्होंने कहा था, बार बार कहा था कि वो प्रधानमंत्री पद की दौड़ में शामिल नहीं है। एक चीज हम बता देते हैं, अपने बारे में बता देते हैं, हमको नहीं बनना है। सवाल है नीतीश को अब क्या चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार बिहार से लेकर दिल्ली की सियासत को करीब से देख चुके हैं, लेकिन सवाल करियर के साथ मोदी के उनके रिश्ते का भी है। नीतीश कुमार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री थे। 2000 के चुनाव में नीतीश कुमार 7 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने, लेकिन वो सरकार नहीं बचा पाए। इसके बाद फिर से वो केंद्र की राजनीति में लौट गए, और 15 साल से चली आ रही लालू राबड़ी देवी सरकार से सत्ता छीनकर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। लेकिन सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार को मोदी क्या शुरू से पसंद थे? इसका जवाब ये तस्वीरें है। 2009 का लोकसभा चुनाव था और लुधियाना में एनडीए की रैली हुई। उस रैली में मुख्यमंत्री की हैसियत से नीतीश और नरेंद्र मोदी दोनों पहुंचे थे। नरेंद्र मोदी ने नीतीश का हाथ पकड़कर उठा दिया। ये तस्वीरें नीतीश और मोदी के रिश्तों को लेकर कई सालों तक चर्चा में रही। इस चुनाव में मोदी प्रचार के लिए बिहार नहीं गए थे। 2010 के आखिर में विधानसभा चुनाव हुआ और नरेंद्र मोदी को नीतीश कुमार ने बिहार में प्रचार के लिए नहीं बुलाया, न बीजेपी को बुलाने दिया, ये कहते हुए कि बिहार में एक ही मोदी काफी है। इस दौरान बिहार की कोसी नदी में बाढ़ आई। गुजरात के सीएम की हैसियत से मोदी ने बिहार की मदद के लिए पैसे भेजे थे, तब नीतीश कुमार ने पैसे लेने से इनकार कर दिया था और वापस भेज दिया था। 2013 में जब बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को पीएम का फेस घोषित किया, तब नीतीश नाराज हो गए और उन्होंने एनडीए से नाता तोड़ दिया, बीजेपी के मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया। नीतीश और नरेंद्र मोदी के बीच रिश्ते आगे कैसे बढ़े, कैसे रहे, इसकी चर्चा का दूसरा पहलू आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक और डेवलपमेंट पर गौर करना जरूरी है। जिस वक्त नीतीश को लेकर चर्चा का दौर जोर पकड़ रहा था, उसी दौरान एनडीए के साथी दलों की फोटो और वीडियोस रिलीज किए गए। इस वीडियो में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी सिर्फ एक कुर्सी की दूरी पर थे। तस्वीरों में भाव ये था कि मैंडेट के बाद एनडीए मजबूत है और अपने दम पर 5 साल सरकार चला लेगा। लेकिन जब तक दूसरी तरफ इंडिया अलायंस की मीटिंग शुरू होती, तेजस्वी ने एक बार फिर चाचा नीतीश को याद किया। सलाम दुआ हुई, फिर देखे कि मेरा सीट पीछे लौट था, तो बाद में वो देखे आए हैं तो हमको आगे बुलाए, तो हम आगे चले गए। तो कुछ बात हुई पॉलिटिकल बात? अब ये सब छोड़िए, ये सब
समय पे बात किया जाता है, सारी बातें बाहर नहीं बताई जाती। ये वही तेजस्वी हैं जिनका साथ छोड़कर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गए, वो भी चुनाव से ठीक पहले। लेकिन उस वक्त भी तेजस्वी ने नीतीश कुमार के बारे में कुछ नहीं कहा। लेकिन आज हम इतना तो आपसे कह सकते हैं ना, इतना बात तो कह सकते थे कि आप बुला लेते, हम लोग बात कर लेते, नहीं है ठीक है तो उसका भी व्यवस्था कर देते। अगर हमारे सरकार से, हमारे मंत्रियों से दिक्कत है तो फिर से बाहर से समर्थन दे देते तो और कोई माइका लाल हिला देता उस सरकार को। मन में शंका मत पालिएगा, जब हमने आपसे कमिटमेंट कर दिया था तो मन में कभी भी शंका, आपके मन में भी हम बोलते थे कोई कंफ्यूजन होगा तो बुला करके बात कर लीजिए, दूर कर लीजिए। क्यों? क्योंकि हम आपको अपना परिवार समझते हैं, हम लोग समाजवादी परिवार के हैं मुख्यमंत्री जी। बीजेपी हो या तेजस्वी, दोनों को सूबे से लेकर दिल्ली की सियासत में नीतीश फैक्टर की अहमियत का अंदाजा है। पुराने पन्ने पलट कर देखेंगे तो पता चल जाएगा। 2014 में मोदी के पीएम बनने के बाद 2015 में नीतीश ने लालू के साथ 20 साल पुरानी दुश्मनी भुलाकर दोस्ती की। बिहार में हाशिए पर बैठे लालू की सियासत को नीतीश ने आबाद कर दिया। बिहार में लालू नीतीश कांग्रेस की सरकार बनी। 2017 में नीतीश करप्शन के सवाल पर पलट गए और बीजेपी के साथ आ गए। 2019 के लोकसभा चुनाव में नीतीश और बीजेपी साथ मिलकर लड़े, 40 में से 39 सीटें अलायंस ने जीती, इसमें एलजेपी भी शामिल थी। लेकिन जब सरकार बनने की बारी आई तो शपथ वाले दिन नीतीश ने फैसला पलट दिया। मोदी 2.0 के जिस दिन शपथ ग्रहण समारोह हो रहे थे, उसी दिन नीतीश कुमार ने 4 बजे शाम में फैसला किया कि इस बार उनकी पार्टी केंद्र सरकार में शामिल नहीं होगी। पटना से लेकर दिल्ली तक के पॉलिटिकल कॉरिडोर में इसी बात की चर्चा होती कि नीतीश कुमार 2 मंत्री पद मांग रहे थे, जिसके लिए शायद बीजेपी राजी नहीं हुई, कयास तो यही लगते हैं। गठबंधन धर्म का पालन किसने किया किसने नहीं, ये सामने नहीं आया। लेकिन इतना जरूर है कि 2019 में मोदी सरकार प्रचंड बहुमत से बनी थी और तब साथी दलों के पास कैबिनेट बर्थ मांगने के लिए उतनी बार्गेनिंग पावर नहीं थी। मोदी ही केंद्र में थे और मोदी ही नीति निर्धारक, क्योंकि तब मोदी सरकार थी, एनडीए सरकार जैसा शब्द कम ही इस्तेमाल होता था। हालांकि बिहार को लेकर मोदी लहर पर सवार बीजेपी ने तब बिग ब्रदर का रोल निभाना शुरू कर दिया। 2020 में बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर चुनाव लड़ा, नीतीश सीएम का चेहरा थे। इस बीच चिराग पासवान अलग हो गए, चिराग ने 142 सीटों पर उम्मीदवार उतारे जिनमें ज्यादा जेडीयू के खिलाफ थे। आरोप लगा कि चिराग को जानबूझकर नीतीश ने उम्मीदवारों के खिलाफ उतरवाया ताकि उन्हें कमजोर किया जा सके। नतीजे उसी तरह आए और नीतीश कुमार कमजोर हो गए। हालांकि बीजेपी ने नीतीश कुमार को ही सीएम प्रोजेक्ट किया और वो बने। नीतीश सीएम तो बन गए लेकिन दिल्ली से दूरी दिखने लगी और आखिरकार वो वक्त फिर आ गया जब नीतीश ने बिहार की जनता की भावनाओं के नाम पर एक बार फिर पलटी मार ली। 2022 में एनडीए का साथ छोड़कर आरजेडी के साथ सरकार बना ली। आरजेडी ने नीतीश को हाथों हाथ लिया। इसी दौरान अमित शाह का बयान चर्चा में आया जब उन्होंने कहा था कि अब नीतीश के लिए दरवाजे बंद हो गए। किसी के मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। अब नीतीश कुमार मोदी रोको मार्च में जुट गए, इंडिया अलायंस के झंडा बरदार बने, सबको साथ इकट्ठा किया। उस वक्त एक तस्वीर की खूब चर्चा हुई जब नीतीश कुमार के बैकड्रॉप में लाल किले की तस्वीर दिखाई दी। समर्थकों ने उन्हें मोदी को काउंटर करने वाले नेता के तौर पर प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया। अब भी गाहे बगाहे ये बातें सामने आ जाती हैं। पीएम मटेरियल तो उनको बताया जाता रहा है, आप लोग की इच्छा है कि नीतीश पीएम बने? एकदम मेरी इच्छा है, मैं तो पहले भी कहता रहा हूँ, कोई बता दे उनसे अच्छा कोई नेता हो देश के अंदर। वो ऐसे नेता है, ऐसा नहीं है किसी भी समाज से बिलोंग करते हो, कोई भी जनता देश की किसी जाति धर्म का बिलोंग करता होगा उस सबको सम्मान देते हैं। एकदम एनडीए में विचार होना चाहिए और एनडीए में विचार इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एनडीए के बहुत सारे साथी हैं जो चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी वहाँ पहुँचे। बहुत सारे लोग हैं जो अंदर से खूब चाहते हैं, अगर जब प्रोजेक्ट होंगे, अगर नेतृत्व उनके हाथों में आने की संभावना बनेगी तो बहुत सारे लोग आपके पास चले आएंगे। हालांकि नीतीश के पीएम वाले सपने को झटका तब लगा जब इंडिया अलायंस की मीटिंग में नीतीश को संयोजक पद देने का कोई ठोस फैसला नहीं हुआ। यानी सारी मेहनत नीतीश ने की लेकिन नाम दूसरे नेताओं के प्रस्तावित होते चले गए। नीतीश ने माहौल फिर भांपा और फिर पलटी मारी। नीतीश कुमार की एनडीए गठबंधन में वापसी की काफी आलोचना हुई
और ये भी कहा जाने लगा राजनीतिक गलियारों में कि नीतीश कुमार अब कोई फैक्टर ही नहीं रहे। पहले नीतीश कुमार अपना डिप्टी खुद चुनते थे, लेकिन इस बार बीजेपी ने नीतीश कुमार के खिलाफ अग्रेसिव रहने वाले सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को डिप्टी सीएम बिहार का बनाया और नीतीश कुमार ने कुछ नहीं कहा। वैसे बिहार बीजेपी की यूनिट ने तो 24 का चुनाव अकेले लड़ने की तैयारी कर ली थी। हालांकि जब दिल्ली से आदेश आया कि नीतीश के साथ अलायंस करना है, तो बीजेपी की लोकल यूनिट से कोई भी शार्प रिएक्शन नहीं आया। अब जो नतीजे आए उसे देखकर लगता है कि बीजेपी का फैसला सही था, क्योंकि यूपी, बंगाल और राजस्थान में नुकसान हुआ, लेकिन बिहार में नीतीश के बूते एनडीए 30 तक पहुंच गया। इसलिए इस बार भी नीतीश कुमार प्रासंगिक बने हुए हैं। सियासत के अजात शत्रु वो नैसर्गिक तौर पर बीजेपी को तो कबूल है ही, इंडिया अलायंस के नेता भी बार बार डोरे डाल रहे हैं। अभी ना सही, भविष्य के लिए ही सही। हमें पता था कि अंडर करेंट है, चाहे कितना भी जुमलेबाजी हो, निश्चित रूप से लोग चाहेंगे कि सरकार बने, क्योंकि इतनी अच्छी संख्या में हम लोग जीते हैं और चूंकि एक दो लोग अगर हमारे साथ आ जाए तो सरकार बन सकती है। जैसे नीतीश जी हो गए, रेड्डी जी हो गए, अगर वो दोनों आ जाए तो हम लोग भी सरकार बना सकते हैं। सवाल है, इंडिया अलायंस नीतीश को ऐसा क्या ऑफर करेगा जो उन्हें एनडीए में नहीं मिलेगा? क्या इंडिया अलायंस उन्हें पीएम पद की पेशकश करेगा? और अगर ऐसा हुआ तो क्या नीतीश अपनी सालों पुराने मन में दबी इस हसरत को पूरा करने के लिए पलटी मारेंगे? अब ये सियासत है और गठबंधन की सरकार, इसमें असंभव कुछ भी नहीं होता। आज नीतीश कुमार के साथ ललन सिंह भी प्रधानमंत्री मोदी के घर एनडीए की मीटिंग में मौजूद थे। ललन सिंह जब बाहर निकले, रिपोर्टर्स ने उनसे नीतीश के स्टैंड को लेकर सवाल पूछे। सवाल तो यह भी था कि इंडिया अलायंस भी नीतीश से उम्मीद लगाकर बैठे हैं, नेताओं से दुआ सलाम हो रही है, नीतीश क्या करेंगे? इस पर ललन सिंह ने कहा, नीतीश जहां हैं वहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, मोदी को मजबूत करेंगे। मीटिंग में सभी घटक दल के नेता मौजूद थे और सभी घटक दलों के नेता ने एक स्वर से कहा कि हम सब लोग आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं और तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री जितना शीघ्र हो उसका शपथ ग्रहण उनको करना। वो मुगालते में वो उम्मीद लगाए रखे हैं। उम्मीद तो ऐसे मुंगेरी लाल हसीन सपना भी देखते थे। और हम लोग के यहाँ बिहार में एक कहावत है कि बिल्ली जो है दही के सीका के नीचे बैठी रहती है इस इंतजार में कि सीका गिरे और उसका छाली वो खाए, तो वो इसी इंतजार में रहे, बिल्ली की तरह नीचे बैठे रहे, कुछ नहीं मिलने वाला है। हम लोग मजबूती के साथ एनडीए के साथ हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।